बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पावर अकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद करते हैं और आज के इस सेशन में हमने बात करनी है FPSC की जो लेटेस्ट एडवर्टाइज हुई है जॉब्स उसके मुताबिक, और स्पेसिफिकली हमने एक ही पोस्ट पे अभी इस सेशन में हमें बात करनी है, वो है नेशनल सेविंग ऑफिसर। तो उसके बारे में डिटेल से आपको बताना कि इनका फंक्शन क्या है, जॉब कैसी है और इसका सिलेबस वगैरह क्या है और इनके काम क्या होता है। तो ओवरऑल मैं आपको काफ़ी इसके बारे में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो सारा बताऊंगा। नेशनल सेविंग ऑफिसर, तो नेशनल सेविंग ऑफिसर की अगर बात हम करें तो ये BPS 17 में आती है, ठीक है, BPS 17 की है और परमानेंट इन नेचर है। और इसके अलावा सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये है जॉब्स। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, यानी कि आपने एमए इकोनॉमिक्स किया है, स्टैटिस्टिक्स में किया है, एमकॉम किया है, जब MBA किया है अकाउंटिंग में, यानी कि अकाउंटिंग फाइनेंस के साथ की हुई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA उसमें सारे आ जाते हैं, HR और मार्केटिंग दोनों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एड इसको नाम भी हम कहते हैं, इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एडमिन साइंसेज जितनी भी है और मैनेजमेंट साइंसेज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड। तो यूनिवर्सिटी मतलब ये कि अगर किसी ने भारत से एजुकेशन हासिल की हुई है तो वो भी उस पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी इक्वल होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। HEC ने इक्वलेंसी एक पूरी लिस्ट दी होती है, अगर फॉरन एजुकेशन जिन्होंने हासिल की है वो वहाँ पे देख सकते हैं डिटेल। तो एज लिमिट क्या है, 22 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी 22 ईयर से कम एज है वो अप्लाई नहीं कर सकता, 22 साल से ऊपर होनी चाहिए, 30 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है। जनरल रिलैक्सेशन का मतलब है कि कोई भी उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया एजुकेशन कुछ भी होना जरूरी नहीं है। हाँ, जो सर्विस कर रहे हैं लोग उनकी जितनी सर्विस होगी और मैक्सिमम अप टू 15 ईयर वो कर सकते हैं क्लेम अपनी रिलैक्सेशन का। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, और आप लोगों को बताऊँ कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेशनल सेविंग ऑफिसर के अभी जनवरी फरवरी में आई थी पोस्ट, तो उनके अभी एग्जाम सितंबर में हो रहे हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उनकी अच्छे तैयारी नहीं भी की तो उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज है, एक अच्छे तरीके से तैयारी करके अभी कुछ तैयारी हो जाएगी तो ये जो सेप्टेम्बर में एग्जाम होंगे उसमें आप अपीयर अच्छे तरीके से हो सकते हैं, यानी कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर आपकी तैयारी अच्छी अब तक नहीं भी हुई तो आने वाले एग्जाम जो आपके नेशनल सेविंग ऑफिसर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी आपके वही तैयारी काम आ जाएगी। तो जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया जबकि एजुकेशन उस तक कंप्लीट नहीं थी मास्टर की, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिसेंट जॉब है ये, बड़ी डिसेंट जॉब है, इनडोर है, कहीं आपको आउट एक्टिविटी कोई नहीं होती, ऑफिस में होती है और बड़ी अच्छी डिपार्टमेंट है। डोमिसाइल कोटा मेरिट पे 4 है, यानी कि ओपन मेरिट पे, और पंजाब की 25 है, 25 सीटें पंजाब की हैं, उनमें से ओपन मेरिट पे 22 है, और वुमेन के लिए कोटा जो है वो 2 का है और मिनोरिटीज नॉन मुस्लिम्स के लिए 1 है, सिंध रूरल के लिए 6 हैं और उनमें से ओपन मेरिट पे 5 हैं और वुमेन कोटा 1 है उसमें। सिंध अर्बन की बात की जाए तो उसमें से 4 है सिंध अर्बन की, उनमें से ओपन मेरिट पे 3 है और वुमेन के लिए 1 है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसकी 5 है और ओपन मेरिट पे 4 है और वुमेन कोटा उसमें 1 है। बलूचिस्तान की बात की जाए तो 3 हैं टोटल सीटें होंगी और ओपन मेरिट पे 2 होंगी और वुमेन सॉरी मिनोरिटी और नॉन मुस्लिम के लिए 1 कोटा है, यहाँ पे वुमेन के लिए स्पेसिफाइड नहीं है बलूचिस्तान के लिए। एक्सपाटा की जो एरिया है उसकी 1 है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए वुमेन कोटा में 1 है और GB जो है उसकी 1 है, बोथ मेल एंड फीमेल का है अप्लाई। जहाँ पे स्पेसिफाइड कोटा है तो उनको अपने एरिया का नहीं होगा, यानी कि जीबी फाटा में अगर फर्स्ट किया हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉरी इसकी बात कर रहे थे AJK की, तो वो मन करता 1 है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि AJK के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओपन मेरिट पे 4 सीटें उनके अगेंस्ट उनका मेरिट पे आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई एलोकेशन सिर्फ 1 खातून की होगी।
क्लोजिंग डेट की बात करें तो लास्ट ईयर की 4 अगस्त की डेट है जिसमें आपने अप्लाई करना है, और बाकी आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बात करवा देते हैं कि इंग्लिश पार्ट जो है 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी वोकैबुलरी होती है, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, बेसिक आईटी यानी कि एमएस ऑफिस में आएगा, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक पब्लिक फाइनेंस, बेसिक ऑडिटिंग, फंक्शन ऑफ नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक। ये आपका पूरा सिलेबस होगा 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का, जो कि आपके पास तकरीबन 1.5 घंटा होता है आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप इसके ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, इसके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट या कोई भी इंटीमेशन के हवाले से आपका सवाल होगा तो वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में चैट की कोई ऑप्शन नहीं होगी, सिर्फ एडमिन ही उसको चेंज कर सकता है। किसी कोई इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी हो तो एडमिन को डायरेक्ट आप भेजें तो वो ग्रुप में शेयर कर देगा, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल करना लाजमी होता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ग्रुप में जो कि फिर दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम होती है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, पहले भी जो नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब्स आई थी नेशनल सेविंग ऑफिस उनकी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप नए सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारी क्लासेस होती हैं वेबसाइट के जरिए से www.howitacademy.com, और उसमें स्पेसिफिक टाइम में आपको ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हम अपने टाइम में कोर्स को अपडेट कर रहे हैं और आपने अपनी आईडी को एक्सेस करते हुए कोर्स को एक्सेस करके आप अपने लेक्चर ले सकते हैं। तो आज के सेशन में यही आपको बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।